एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की एक काफी इंटरेस्टिंग सी पोएम जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। शुरू करते हैं हमारी पोएम को। ये कोई एड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कॉन्टेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। तो यहाँ पर पोएट ये बता रहे हैं कि ये जो ट्री है इसको मतलब कि मारने में, अगर हम एक ट्री को मारने के लिए जाएंगे तो इतना आसान नहीं है उसे मारना। एक सिंपल जैब, जैब क्या होता है कि आपने क्या लिया, चक्कू लिया, उसको मार रहे हो ट्री के अंदर, तो एक जैब करा आपने उसको, तो एक सिंपल जैब से उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखते ही देखते धीरे धीरे उतने उसने अर्थ को कंज्यूम करा है और ग्रो करा है। अब अर्थ को कंज्यूम कैसे करा है, देखो अर्थ है उसके ऊपर जो सॉइल है, उस सॉइल से उसने वाटर लिया है, न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, उन्हें कंज्यूम करके वो राइज आउट हुआ है, मतलब कि वो उगा है। उसने फीड करा है अर्थ की क्रस्ट को, क्रस्ट कौन सा होता है, अर्थ के ऊपर वाला पार्ट, उससे खाना पीना खाया है और अपने आप को बढ़ाया है। उसने बहुत सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब करा है, एयर को एब्जॉर्ब करा है, वाटर को एब्जॉर्ब करा है, तब जाकर जो उसकी लीव्स हैं वो हमें बाहर उगती हुई दिखी हैं, बाहर उसकी लीव्स निकली हैं। तो ये जो ट्री है, ट्रीज देखते ही देखते धीरे धीरे करके ग्रो करा है। फर्स्ट वाले पैरा के अंदर ये बताया है और साथ में हमें ये भी समझाया है कि बहुत आसान नहीं है एक ट्री को मारना। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs which if unchecked will expand again to the former size. आप क्या करो, आप उस ट्री को बार बार चॉप करते रहो, काटते रहो। इससे भी अगर आपका काम ना बने, अगर इससे भी बात ना बने, तो आप क्या करो, ट्री को देखो, इससे ज़्यादा पेन नहीं पहुँचेगा और जो बार्क है वो एक तरीके से ब्लीडिंग बार्क है, वो कुछ समय बाद हील हो जाएगी। जहाँ से आपने उसे काटा है वो अपने आप कुछ समय बाद हील हो जाएगी, ठीक है। और जो ग्राउंड है उसके पास से कुछ ग्रीन ग्रीन टहनियाँ उगने लगेंगी, और वो वाले पीसेज जो आपने काटे हैं वहाँ से भी ग्रीन ग्रीन टहनियाँ उगने लगेंगी। मिनिएचर बोज भी क्या होती है हमारी, कुछ टहनियाँ होती हैं वो भी उगने लगेंगी। Which if unchecked, अगर आपने उस ट्री को चेक नहीं करा दोबारा काटने के बाद, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दोबारा से एक उसी साइज़ का नया ट्री उग गया, या फिर वही ट्री दोबारा से उसी साइज़ का हो गया। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out. तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि अगर आपको ट्री को कम्प्लीटली मारना है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी जो रूट्स हैं यानी कि जड़ें हैं वो ज़मीन से निकालनी पड़ेंगी, और अच्छे से मतलब जिस भी तरीके से आप उसको निकाल सकते हो निकालो, उसको रोप्ड तरीके से टाइट करके पुल करके अच्छे से निकाल लो, स्नैप करके निकाल लो, खींच लो उसकी पूरी जड़ों को, एंटायरली खींच लो आउट फ्रॉम द अर्थ केव। मतलब अर्थ का जो केव है, मतलब अर्थ के अंदर वो जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत सालों तक रही हैं, अब उनको आप निकाल के बाहर निकाल दो। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। तो यहाँ पर जो ट्री की स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा जब आप उसको जड़ों से निकाल दोगे, जो उसका वाइट और वेट सोर्स है, वो जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है यानी कि उसकी जो जड़ें हैं बहुत सालों तक जो अर्थ के अंदर रही हैं उनको आप बाहर निकाल दो, तब मरेगा वो प्रॉपरली। देन द मैटर ऑफ स्काउरिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। उसके बाद क्या होगा ट्री के साथ, अगर आपने उसे जड़ से निकाल के बाहर फेंक दिया क्या होगा, सबसे पहले तो आप एक तरीके से उसे चोक कर रहे हो। चोक करने का मतलब कि अब वो पानी कहाँ से लेगा, आपने ज़मीन से निकाल दिया, मतलब कि आप उसे
प्यासा मार रहे हो, उससे एयर छीन रहे हो, और कुछ समय बाद जब एयर और सन इन सब के इफेक्ट से क्या होगा, ब्राउन हो जाएगा वो ट्री, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, विदर मतलब कि ख़राब होने लगेगा, और इसके बाद आपका ट्री मर जाएगा। गीव पटेल ने इस पोएम को लिखा है। इस पोएम से आखिरकार पोएट क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, एक बहुत सिंपल सा मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग ट्रीज़ को कैसे मारते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, इंसान अपने लालच में फॉरेस्ट ख़त्म करते जा रहे हैं। क्या होता अगर ट्रीज जो हैं वो हमें ऑक्सीजन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फूड, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, इन सारी चीज़ों को ना देकर वाईफाई देते। सोचो, मैं तो अपने सर पे ही 3-4 गमले उगा लेता। आप लोग भी ऐसा करते या नहीं करते कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना। बट अनफॉर्चुनेटली जो ट्रीज़ हैं हमें जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, खाने के लिए फूड देते हैं, कितनी दुख की बात है। वाईफाई देते तो मज़ा आता ना। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरकेस्टिकली, जैसे मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, ऐसे पोएट ने भी इस पोएम के अंदर हमें बताने की कोशिश करी है कि एक ट्री को कैसे मारा जाए, वो ट्री जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदा रहने के लिए, उसे कैसे मारा जाए। तो यहीं पर हमारी पोएम खत्म होती है। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबर ज़रूर बनो।